विधानसभा विभिन्न जगह बजरंग गेरुआ जंगीरा एसे टेरोरिज्म चलाच्छे और से ही संगे संगे केंद्रीय बाहिनी गुंडा बाहिनी के पाठिये तारा 200 मीटर बाहरे शांतिपूर्ण भावे टेबिल खाटिए क्यों बसे थाकले तादेर उपरे से अत्याचार करछे निर्विकारे लाठीचार करछे बाड़ीते जाच्छे एर बिरुद्धे आमरा प्रतिबाद जानाई एवं आमरा प्रशासनेर दृष्टि आकर्षण करछि एवं एसपीपीसी दृष्टि आकर्षण करछि जे एई धरनेर असभ्यतामिके बन्दोबस्त रयेछे लोकारी 172 नम्बर बुथ एखाने तीनटे बुथ 71 72 73 तीनटे बुथे 200 मीटारेर बाइरे केउ जदि बसे थाके दोकाने बसे थाकते पारे बाड़ीते बसे थाकते पारे सेखाने गिये सेंट्रल फोर्स निर्विकारे लाठीचार्ज करछे एबं आपनादेर देखलाम मांसेर दोकाने एकजन मेशिन निये एकजन क्रिमिनाल बसे आछे जे बिजेपी करे से सबाइके बोलछे तोरा रात्रि बेला ओदेरके देखे नेबे एबं सेई मूलत बिजेपिर दालाल हये सेंट्रल फोर्स इनसिस्ट करछे सेंट्रल फोर्स आमाके आमादेर कर्मीदेर उपरे मारधर करछे आपनादेरके देखालाम एकटु आगे मेरे फाटिये दियेछे আমি সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আরওকে নির্বাচন কমিশনকে আমি অভিযোগ জানালাম যে সিআরপিএফ সেন্ট্রাল ফোর্স যেটা করছে এটা কিন্তু এলাকাকে উত্তপ্ত করছে এবং আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট ব্যাংকে বিঘ্নিত করছে সুতরাং মানুষ রেজিস্ট করলে তার দায়ভার কিন্তু নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে সেন্ট্রাল ফোর্সকে নিতে হবে ইধার 200 মিটার খতম হয়ে গেল আপ লোগো কো জো আকে ইনফরমেশন দে রহে इधर मशीन वो आप क्या तो क्या है वो इधर का मस्तान है ठीक है ठीक है कोई पार्टी कर सकते हैं बीजेपी का है 200 मीटर का बाहर कोई दूसरा ना तो बैठ सकता है आप लोग जाके ऐसे ही लाठी चार्ज करेंगे तो कैसे मैं आपको लाठी चार्ज करना इधर इधर भी गैदरिंग है चार पांच आदमी की ज्यादा उधर भी गैदरिंग सब लोगों को ऊपर करना है ना हम लोग लाठी चार्ज करते ही नहीं ठीक है उसके लिए नहीं अब मैं दिखा रहा हूँ बोलने तो दीजिए हाँ बोलिए और नहीं तो कहिए मैं नहीं बोलता हूँ अति हो जाता है ना कहीं पर भी रोड पे ही अगर आने नहीं दे टॉर्चरिंग करे तो हमें कई बार मना करता हूँ लेकिन उसके बावजूद ही नहीं मानते हैं आप जैसे जा रहे हैं तो हम यहाँ किस लिए आए कि आपको कहीं कोई परेशानी ना हो समझ रहे क्योंकि तो मेरी दायित्व है स्टेट वहाँ गए बुलाने के लिए स्टेट पुलिस साथ में है उनसे पूछिए तो सेंट्रल पुलिस के साथ मैं बात कर लूँगा क्या हुआ है नहीं हुआ है लेकिन आप लोग अचानक सबके ऊपर लाठीचार्ज करना देखिए क्या है कि हम आपको एक भी बात बताता हूँ ठीक है ये जो रानाघाट साउथ है ये मतलब ऐसे जैसे लोकसभा में मैं कैंडिडेट था मैंने एक वायलेंस नहीं होता एक नॉट अ सिंगल वायलेंस लेकिन क्या है रानाघाट साउथ मतलब जाएगा ऐसे कि वायलेंस के लिए मशहूर है ठीक है तो आप लोग ऐसे मतलब अभी तो अभी कोई ऐसा दस्तक नहीं है तो मैंने बोल दिया कि नो वायलेंस पर्टिकुलरली ठीक है फिर आप लोग आके लाठीचार्ज करेंगे और आप लोग करके चले जा रहे हैं फिर जाके वो जो बीजेपी का जो कुछ लोग तो है उन लोग सेट कर रहे हैं उन लोगों को जब आप लोग जब चले जाएंगे तब तो अब तो दो दिन बाद चले जाएंगे तब हमारा इधर क्या होगा जीते और न जीते वो कुछ आपको तो समझना पड़ेगा हमें से लाठीचार्ज मत कीजिए आप समझाइए उसके लिए नहीं है नहीं नहीं मैं वही कर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए ना आप तो पूरा इलाका में लाठीचार्ज नहीं कर सकते इतना स्टाफ भी नहीं है नहीं हम उसके लिए नहीं है भाई वो काम नहीं कर मतलब आप कहाँ आपको ऐसा आप मान लीजिए कि एक बजे के बाद आपको सारा एरिया में लाठीचार्ज इतना तक आपको तो फोर्स बुलाना पड़ेगा नहीं 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 ऐसा वो ऐसा स्थिति मत पैदा कीजिए आप उसको रोकने के लिए आप समझाइए आप जाएंगे तो लोग डर के भाग जाएंगे आप समझाइए ना लाठीचार्ज मत कीजिए ठीक है और जो बोल रहे हैं सेंट्रल पहले बंगाल पुलिस को बताइए कि इधर इधर हो रहा है आप जाइए नहीं हो तो आप लोग आइए सर प्यार से समझाइए सब लोग ठीक है राइट कोई वायलेंस नहीं हो रहा है हमारा तरफ से ठीक है राइट जैसे बाहर में होता है मैंने तो यूपी में देखा है राइट सपा का एक भी फ्लैग नहीं है बंगाल बहुत अच्छा है आप लोग को समझना पड़ेगा सेंट्रल आपको बता दिया ठीक है आप उस हिसाब से कर रहे हैं राइट ऐसा ठीक नहीं है मुझे भी बहुत सारे बूथ में रुका गया मैं तो 2-4 मिनट के अंदर रुक सकते हो मुझे आप लोगों का वोट बोले साहब चाहिए अरे चाहिए मतलब मेरे लिए इलेक्शन है मुझे बोल रहे हैं कि आप जाइए तो ये आप लोग कर रहे हैं ना ये आप ऐसा ऐसा बोलना बहुत सारी जगह इस बूथ में कैसे इस बूथ में भी हुआ है।